हेलो दोस्तों, तो सफ़ेद रंग किसको नहीं पसंद होता है? सफ़ेद रंग सबको पसंद होता है, लेकिन आज हम खुद ऐसे ही दस सफ़ेद रंग के जानवर के बारे में बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सफ़ेद कुत्ता, सफ़ेद शेर और सफ़ेद जराफ, ऐसे ही हम आज दस सफ़ेद अमेजिंग जानवर के बारे में बात करने वाले। अक्सर जानवर अपने कलर के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल कलरहीन होते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे ही दस कलरहीन यानी सफ़ेद रंग के जानवरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और आप उन्हें देख कर बोलने वाले वाह कितने सुंदर। हाँ दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 10, व्हाइट क्रो। हाँ दोस्तों, अक्सर आपने काले कौए के बारे में सुना और उन्हें आसपास में उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन व्हाइट क्रो आपने नहीं देखा क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, और व्हाइट कौए अक्सर इन एल्बिनो क्रो भी कहा जाता है, और इनका पैर व चोंच का कलर हल्का गुलाबी होता है। हाँ दोस्तों, और ये अक्सर इन्हें ब्लैकों की तरह ही होता है, और ये उनके साथ ही रहते हैं और उनकी तरह ही खाना खाते हैं। बस इनका कलर है अलग होने के कारण ये थोड़े से खूबसूरत दिखते हैं। हाँ दोस्तों, और ये ज़्यादातर धूप में नहीं रह पाते हैं, इसलिए ये छाया में बैठे ही रहते हैं। और ये दोस्तों अक्सर पालतू कौए होते हैं, और ये हमारे भारत में दिल्ली और कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं। नंबर 9, व्हाइट एलिगेटर। हाँ दोस्तों, वैसे तो आपने ब्लैक व पूरे कलर के काफ़ी मगरमच्छ देखे होंगे, लेकिन आपको आज हम बताने वाली हैं वाइट कलर के मगरमच्छ। हाँ दोस्तों, और ये मगरमच्छ बहुत ही नाजुक होते हैं, और इन एल्बाइनो एलिगेटर भी कहते हैं। दोस्तों अक्सर मगरमच्छ की आंखें काली होती हैं, लेकिन वाइट एलिगेटर की आंखें हल्की गुलाबी होती हैं, और ये चलने में भी काफ़ी नाजुक होते हैं, और इनकी संख्या बहुत ही कम बची है। इन्हें लगभग 4 या 5 हज़ार के आसपास ही पूरे विश्व में संख्या बची है, और ये बहुत ही नाजुक होती हैं। उनकी चमड़ी भी काफ़ी नाजुक होती हैं, और ये धूप में भी काफ़ी देर तक नहीं रह पाते हैं, इसलिए इन्हें सख्त देख रेख की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें एल्बाइनो नाम की एक बीमारी होती है। हाँ दोस्तों, ये एल्बाइनो बीमारी ये पिगमेंट्स के कारण होती है, पिगमेंट्स की कमी के कारण होती है। और दोस्तों ये बीमारी अक्सर जानवरों और ये इंसानों में भी अभी देखने को मिलती है, और इसमें इंसानों के हाथ पैर व बालों का व आँखों के भफ्फण का कलर भी वाइट हो जाता है, और इसमें इंसान एकदम वाइट कलर के दिखने लगते हैं। ये काफ़ी इंसानों में पाई गई है, और ये जानवरों में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। नंबर 8, वाइट अर्मन। हाँ दोस्तों, ये जानवर बहुत ही क्यूट है, और इनका कलर एकदम वाइट है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ जानवर है, अक्सर ये जानवर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। अक्सर इनका कलर ब्राउन कलर होता है, और ये हल्के हल्के वाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये सभी का मौसम आने पर एकदम वाइट कलर के हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, और ये इतने क्यूट दिखते हैं, इतने एक साथी भी हैं। हाँ दोस्तों, ये अपने से छोटे जानवरों को छोड़कर अपने से बड़े जानवर को भी आसानी से शिकार कर लेते हैं, और आपको ये कहीं दिखे तो इनसे दूरी बनाकर ही रहे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये जितने क्यूट दिखते हैं इतने होते नहीं हैं, और ये शिकार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। नंबर 7, व्हाइट एलिफेंट। हाँ दोस्तों, आपने शायद ही व्हाइट एलिफेंट देखी होगी, लेकिन कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर व्हाइट एलिफेंट ने काफ़ी धमाल मचाया था। तमिलनाडु के सड़कों पर एक वाइट कलर की हाथी ले जाई जा रही थी, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि यह व्हाइट इस पर पेंट किया हुआ है, लेकिन अक्सर पेंट नहीं है, यह इसका रियल कलर है। और ये ज़्यादातर व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाई जाती है, और वहाँ का मानना है कि व्हाइट एलिफेंट प्योरिटी व रॉयलिटी का प्रतीक है, और हिंदू रिज्म के अनुसार व्हाइट एलिफेंट भगवान इंद्र के पास थी, और इसका नाम एरावत था। हम आपको सीधा शॉर्टकट में बताएं तो व्हाइट एलिफेंट की शुभ मानी जाती है, और इसकी पूजा की जाती है। नंबर 6, व्हाइट कॉकरोच। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घर के उस सदस्य की जो कि हर रसोई में पाया जाता है। अक्सर कॉकरोच तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन उनका कलर ब्राउन कलर होता है, लेकिन आज हम आपको व्हाइट कॉकरोच के बारे में बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये व्हाइट इनका कोई विशेष कलर नहीं होता है, लेकिन ये इनको पिगमेंट्स की कमी के कारण इनका यह व्हाइट कलर होता है, और आपने व्हाइट कॉकरोच ज़रूर ही देखा होगा, और ये ज़्यादातर कुछ दिनों बाद में अपनी स्किन को डेवलपमेंट करके वापस अपनी रियलिटी स्किन में प्रेस कर लेते हैं। लेकिन आपने इन अपने घर में या पुरानी वाली स्किन जरूर देखी होगी, तब आप समझ जाना कि आपके घर में पहले कोई व्हाइट कॉकरोच था, और वो उसने अपनी स्किन को डेवलपमेंट किया है। आपने इसे पहले देखा या नहीं देखा कमेंट में ज़रूर बताओ। नंबर 5, व्हाइट हम्बैक व्हेल। हाँ दोस्तों, आज हम एक समुद्र जीव मछली के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हम्बैक व्हेल। हाँ दोस्तों, और ये काफ़ी रेयर भी मानी जाती हैं, और ये अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इनकी लंबाई 39 फीट से 52 फीट के लगभग होती है, और इनका भार 22,000 किलो से 36,000 किलो तक हो सकता है। और इनके दो कलर होते हैं, एक वाइट कलर है, दूसरा ब्राउन कलर होता है, और वाइट कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है, चमकदार भी होता है, और यह नीले समुंदर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। हाँ दोस्तों, और यह व्हेल बहुत ही रेयर भी मानी जाती हैं। दोस्तों आपने इस व्हेल को कभी देखा है? शायद ही कभी देखा होगा। हाँ दोस्तों, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होने के कारण अब ये विलुप्त होने के कगार पर हैं।
नंबर 4 व्हाइट जिराफ। हाँ दोस्तों, केन्या में पाए जाने वाले व्हाइट जिराफ अक्सर है, इनकी संख्या पहले 3 थी, लेकिन शिकारियों ने 2 जिराफों को शिकार कर अब सिर्फ पीछे एक ही जिराफ बचा है। यह बहुत ही दुख की बात है। और इनका व्हाइट होना एक पेगमिन सिंकन के कारण हुआ है, और इनके सिर्फ एक ही बचने के कारण सरकार ने इनके शरीर में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। और सन 2016 में जब ये व्हाइट जिराफ सामने आए, तब कुछ लोगों ने इसका शिकार कर लिया। और अक्सर जिराफ का शिकार उनके मांस व उनके हड्डियों के लिए किया जाता है, लेकिन व्हाइट जिराफ का शिकार करना शिकारियों के लिए एक शान की बात है। और यह अब सिर्फ एक ही बचा है, इसलिए सरकार ने इसे रेड जोन में भी डाल दिया है। नंबर 3 व्हाइट लाइंस। हाँ दोस्तों, बच्चों से लगाकर बड़ों तक सभी ने शेर को तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट लाइंस के बारे में। व्हाइट लाइंस शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि इन्हें जू में ही रखा जाता है, और यह इनका व्हाइट कलर पिग्मा मिंटेशन के कारण होता है। सन 1938 में पहला व्हाइट लॉयन मिला था, और सन 1970 में इन्हें आरक्षित कर दिया गया था। तब सिर्फ 3 ही लॉयन थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगभग 500 से भी ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, और इनकी संतान व्हाइट कलर की ही होती है, इसलिए इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और इनके लॉयन को साउथ अफ्रीका में इन्हें शांति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2 व्हाइट ओरांगीटा। हाँ दोस्तों, हम जिस जानवर की बात करने वाले हैं, ये काफ़ी रेयर और काफ़ी स्पेशल है। हाँ, यह है व्हाइट ओरांगीटा। हाँ दोस्तों, इसका नाम है अल्बन। और एक बार जब इसे इंडोनेशिया के जंगल में देखा गया, तब गांव के लोगों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी, और रेस्क्यू टीम इसे अपने साथ ले गई, और इसे काफ़ी महीनों के साथ रखने के बाद इसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन यह उन जानवरों के साथ नहीं घुल मिल पाने के कारण इसे रेस्क्यू टीम ने वापस ले गई, और इसे लगभग 2 साल तक अपने पास रखा। और इसे 2 साल के बाद में इसे काफ़ी खिला पिला कर तंदुरुस्त करके वापस इसे 2018 में वापस जंगल में छोड़ दिया, और वहाँ पर अब ये खुशी से रह रहे हैं। नंबर 1 व्हाइट स्क्विरल। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जानवर की जो कि दुनिया में हर जगह लगभग पाया जाता है। स्क्विरल, यह दोस्तों लगभग दुनिया के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, और यह बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन बात करें व्हाइट स्क्विरल की, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और यह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि यह स्क्विरल लगभग 10 लाख में से एक ही व्हाइट स्क्विरल पाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी रेयर होते हैं, और इन्हें देखना तो असंभव ही है, और इन्हें शांति का वो प्रतीक भी माना जाता है। और व्हाइट स्क्विरल इन्हें देखने पर चूहे की तरह दिखते हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है, हम दुनिया में अट्रैक्टिव रंग ढूंढते रहते हैं, लेकिन व्हाइट कलर काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर है। और इनके जानवर भी आपने देखे ही होंगे, कितने क्यूट व सुंदर हैं। क्या आपको कोई पूछेगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप क्या व्हाइट ही कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इन जानवरों में से सबसे अच्छा कौन सा जानवर लगा, यह भी बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।